हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? वेरी गुड। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ साइंस बी का लेसन नंबर 6, एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, मुझे अभी बच्चों ने कहा कि मैम हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ये, तो आप थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा हम लोगों को। लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लेसन एक्सप्लेन करना नॉट पॉसिबल, तो इसके लिए हम लोग को भी शॉर्टकट फटाफट एक्सप्लेनेशन कर देते हैं हम लोग, ताकि थोड़े में ही आप लोग का रिविज़न हो जाए। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जिंदा है ना, उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इधर एक चार्ट दिया है आप लोगों को, तो उसे आप लोगों को फिल करने के लिए कहा जा सकता है। एग्जाम में ये आ सकता है, तो आप लोग इसे पूरा करके जाइएगा। प्रोकैरियोट्स एंड यस एंड यूकैरियोट्स। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड स्वीट बता रही हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। फिर ये प्रोकैरियोट्स में आता है किंगडम मोनेरा, और ये जो यूकैरियोट्स है उसमें आता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर यानी एक सेल, मल्टीसेल्युलर यानी मोर देन वन सेल्स। उसका किंगडम आता है प्रोटिस्टा, और ये जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अभी विथ सेल वॉल भी डिवाइड होता है टू पार्ट में, वो है ऑटोट्रॉप्स, ये है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफ में आता है किंगडम प्लांटी, ये एग्जाम में आपको आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हेटरोट्रॉफ्स में आता है किंगडम फंगी, और ये विदाउट सेल वॉल है ना, वो है किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो ये चार जो है आप लोग लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दिया है कि प्लांट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो ओवरऑल अर्थ में जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन एनिमल स्पेसीज है। तो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि ये आपको आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, कितने टाइप के एनिमल है, टेरिस्ट्रियल है, एक्वेटिक है। तो ओवरऑल जो है 7 मिलियन है, तो ये 7 मिलियन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, तो इसको बराबर से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये जो है हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, ये जो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने एनिमल को क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर किया था, उनकी क्राइटेरिया क्या थी? तो था एक बॉडी साइज, उनके हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक बार इन्होंने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, फिर जो दूसरे भी जो थे फिलोसोफर, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था, तो इनमें भी इन लोगों के भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो किस बेसिस पे इन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड बाय, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर की रचना किस टाइप की है, टाइप्स ऑफ सेल्स, कौन से सेल्स है उनकी बॉडी में, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। ओके, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। अभी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में आता है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स।
ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको ये आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन में एग्जाम में। तो नॉन कॉर्डेट्स क्या है और कॉर्डेट्स क्या है, मिलेगा मिलेगा मार्क्स मिलेगा आपको बेटा। अभी इसके ना एटलीस्ट अगर 2 मार्क का है तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स तो इसमें लिखने पड़ेंगे और मोस्टली 2 मार्क के ही आते हैं ये, तो नॉन कॉर्डेट्स के और कॉर्डेट्स के 3-3 पॉइंट्स आप लोगों को डिफरेंशिएट बिटवीन में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इजी इजी पॉइंट्स ही आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं। अभी जैसे है ना ये 1, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकोर्ड। अभी नोटोकोर्ड के जैसा अपनी बॉडी को इस बॉडी में सपोर्ट नहीं होता है और यहाँ पर क्या दिया है, देखो बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकोर्ड, 1 पॉइंट हो गया है ना। फिर उसके बाद आएगा सेकेंड पार्ट, सेकेंड में फेरिंगल गिल्स स्लिट्स आर एब्सेंट और यहाँ पर दिया हुआ है फेरिंगल गिल्स स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट और फॉर रेस्पिरेशन। इसमें ना आप लोग हाँ ये पॉइंट, तो 2 पॉइंट हो गए आप लोग के इजी। फिर यहाँ पर क्या दिया है, देखो हार्ट इज प्रेजेंट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डॉर्सल साइड। अगर हार्ट होगा होगा वहां पे तो कौन सी साइड में होगा, डॉर्सल साइड में होगा, ठीक है। किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। और हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। तो इस तरह से आप लोगों का 3 पॉइंट मैंने अभी के अभी करवा दिया है लर्न, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। ये जो डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर माउथ है, इधर गिल स्लिट्स है, इधर एनस है और यहाँ पर है टेल फिन। ये जो है ये उसकी मसल्स है, ये है नोटोकॉर्ड। एक ही पट्टी होती है एक लाइन में, नर्व कॉर्ड। आप लोगों ने फिश देखा रहेगा ना, फिश के अंदर जैसे काटा होता है ना, एक ही पट्टी में वो काटे रहते हैं ना वैसा। फिर यहाँ पर इन्होंने दिया है ऑन कॉर्डेट एनिमल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम एंड द नेम ऑफ फाइलम इज सेम दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। अभी देखो यहाँ पर ये जो चार्ट दिया है ना, तो शॉर्ट एंड स्वीट जितना भी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वहाँ पर दिया है वो हम लोगों को इस चार्ट में मिल जाता है और बहुत इजीली हम लोग का लर्न भी हो जाएगा। अभी है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में 2 पार्ट्स है, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स एंड सब किंगडम कॉर्डेट्स, ओके। अभी सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं फाइलम, तो उसमें कितने प्रकार के फाइलम है उन लोग के नाम, और इसमें दिया है कॉर्डेट्स में आता है फाइलम कॉर्डेट्स जो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। 1 इज अ यूरोकॉर्डेटा, 2nd इज अ सेफलोकॉर्डेटा एंड 3rd इज वर्टिब्रेटा। तो ये जो वर्टिब्रेटा है ये आता है 6 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस तरह से आप लोग इसका जो डिवीजन है उसको पढ़ेंगे तो आपको इजी जाएगा, या एक बार आप लोग ये चार्ट बना लोगे ना घर पे बैठ के तो हो जाएगा आपका रिवीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटाकर। ये जो नाम आएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था रॉबर्ट विटाकर आपको पहले से ही आ रहा है, तो आप लोग ये जो नाम है बराबर से याद रखिएगा।
और मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया. अभी किस क्राइटेरिया को लेकर ये क्लासिफिकेशन किया गया था, तो वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स एंड सेगमेंटेशन एटसेट्रा. आरयू में धीरे धीरे अभी आप लोगों के अभी ये जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी यहाँ पर दिया हुआ है अमीबा. तो अमीबा एक शेपलेस है, वन सेल होता है उसमें, वन सेल एनिमल है वो. और यहाँ पर दिया हुआ है पैरामेशियम. सम एनिमल्स विद प्रोटोप्लास्मेटिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर आपको दिया है आउटलेट, हाँ आउटलेट ऑस्किला. हाउ नाइस, मेरे बच्चे एक दूसरे के बारे में कितना कंसर्न करते हैं, गुड बेटा. अभी यह है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो कॉलर सेल्स, साइकॉन, आउटलेट, ऑस्क्यूला और ये जो उसके अंदर के जो पार्ट्स है, ये स्पिक्यूल, एमिपोसाइट, ऑस्टियम, नॉन लिविंग पार्ट. आ रहे सब जन धीरे धीरे. अभी है ना ये जो डायग्राम्स इन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए है, ये किसका है डायग्राम, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अभी ये जो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उनका माउथ कहाँ पर है, उनका इंटेस्टाइन कहाँ पे है, उनका गोनड्स कहाँ पर है, ये सब एक बार है ना आप लोग बराबर से लर्न कर लेना. क्योंकि क्या होगा, एग्जाम में वो लोग आपको ये डायग्राम देंगे और इस तरह से बॉक्स दे सकते है, ठीक है. तो ये बॉक्स में आप लोग को सिर्फ नाम लिखने आ सकता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ आप लोग को, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शॉर्टली और कैसे आपको करना है करके. भाई समझ में आ रहा है तो लाइक करो. अभी ये है क्या है भाई, ये टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिएगा ये गोंगलिया, आई स्पॉट, माउथ. ओहो माउथ कहाँ है इसका, देखो भैया किधर है इसका माउथ करके, ये तो इधर मुंह पे इधर माउथ लेके आओगे तुम लोग. नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स, अच्छा फेरिंग्स है माउथ है, ठीक है. डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, मैंने अब भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को. आप कहाँ थे भाई, बाद में देख लेना मेरा वीडियो, आपको पता चलेगा, बहुत इजीली बताया मैंने. फिर फेरिंग्स, फिर इधर क्या है भाई, डेलो वेस्पलर कैविटी. ये नाम आप लोग भाई एक बार करके रखना, ठीक है. अभी यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी, अगर ये आ गया आप लोगों को एग्जाम में तो आपकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि ये तो आप लोग आराम से लिख सकते हो ना, पता है ना ये आपको. ब्रेन, लंग्स, लीवर, ब्लड वेसल, थाई स्किन, फिर है माउथ, हार्ट, बोन, किडनी, फिर ये है क्वाड्रिसेप्स, मसल्स. इधर आप लोग नाम याद रख लेना भाई. ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी जो बच्चे अभी आए हैं और जिन लोगों ने मेरा पहले का जो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है ना, ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद जो मेरा वीडियो चालू होगा आप लोगों को दिखने को मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप लोग देख लेना. अच्छा ये जो डिजास्टर है वो
किया है आप लोगों ने डिजास्टर्स के बारे में? जो लास्ट लेसन है, क्या सेकंड लास्ट लेसन है आप लोग का? आता है वो डिजास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। अभी हम लोग थोड़ा सा भटक गए हैं अपने टॉपिक से। मैं बात कर रही हूँ मेरे बच्चों से, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ बात कर रहे हैं, सुपर चैट पे है, हम लोग लाइव बातें कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि मैं बीच बीच में क्या बातें कर रही हूँ। हाँ, डिजास्टर इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों ने किया क्या नहीं? हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या इजी है ना? डिजास्टर मैनेजमेंट फिर ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डेड लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, डेड लेयर, मेसोडर्म, कितने मार्क का था हर्षुल? वो 4 मार्क का था ना, क्या 5 मार्क का था? आप लोग ना जब पेपर लिखते हो ना बच्चा, तो बहुत ही केयरफुली लिखा करो भाई, वरना ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। ये सिली सिली मिस्टेक्स में ना 5 मार्क का था ना, ठीक है कोई बात नहीं। अभी जो आप लोगों ने, आपने जो नंबर लिखे हैं और नंबर और आंसर सही से लिखे हैं और क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो नो मैटर, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जाम में, आप लोगों को नंबर लिखना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है और वो कौन सा आंसर नंबर है, उसके सामने सही से आपने आंसर लिखा होगा तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। अभी इसके लिए जो हो गया अभी, उसके बारे में आप लोग, हाँ आंसर्स राइट है ना, तो नो प्रॉब्लम, आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना जरूरी है। और आपने हाँ यस बराबर है ऐसे ही लिखना है आपको। अगर आपने ऐसे लिखा है तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 1 है उसका, इस नंबर के क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी में का कौन सा था, वो लिखना जरूरी है। अबे हर्षुल आपने कैसे लिखा है वो? तेजस ने अभी लिखा, लिख कर बताया, वैसे लिखा है क्या आपने? हाँ हाँ ये ऐसा लिखना है, बराबर है 1 का ए, ये बराबर है। देखो हर्षुल, देखा आपने ऐसे ही लिखा है आपने? देखो भाई, ये भी आंसर्स किस तरह से लिखना चाहिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, ताकि अगले जो पेपर्स आएंगे उन लोगों को उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर्षुल बताओ ऐसे ही लिखा है आपने? अभी तेजस ने आपको लिख कर बताया, तेजस फिर से लिख के बताओ बेटा हर्षुल को कि किस तरह से आंसर्स लिखने हैं करके। ये इस तरह से लिखने हैं आंसर, ऐसे ही लिखा है हर्षुल आपने? ऑप्शन लिखने जरूरी नहीं है। मैंने लिखा है आंसर 1 का, जो भी आंसर है वैसे लिखा। अच्छा हर्षुल, अभी वो जो 5 मार्क का हो गया ना बेटा, उसको जाने दो अभी, अगले इसमें आप ध्यान में रखना है। देखो इस तरह से आपको आंसर लिखने, जैसे अभी तेजस ने लिख कर बताया, देखो ठीक है, अभी अगले पेपर में गलती मत करना। हाँ ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है, ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको।
ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है। इस ऑप्शन में का ये सही है इसे लिखना जरूरी नहीं है आपको। Am I right? तेजस, Am I right? ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें दिया है इकोलोइड्स का जो इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, बराबर है ना? फिर क्यों टेंशन लेते हो हर्षुल आप? अभी छोड़ दो, वही वही रिपीट मत करो बेटा। अभी जो कल एग्जाम है आपका उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है? क्योंकि सब बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी आपका फाइनल हो गया है, आपने ऑप्शन नहीं लिखा है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है, सही आंसर है वो लिखना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन भी लिखना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो नंबर और डायरेक्ट आंसर लिखना जरूरी है आपको, ठीक है? बहुत इजी किया आप लोग को, हमारे समय में बहुत हार्ड था। ओके, चलो नाउ बी पॉजिटिव। अभी यहां पर फोकस करो। तो अभी ये है यूके लोमेट्स, या मेरे को भूला दे रही है तुम लोग, इसका जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है देख लो भाई एक बार आप लोग, इनके नाम किसको किसको क्या नाम दिया हुआ है वो देख लेना आप लोग। ये है एंडोडर्म, ये है मेसोडर्म, और ये जो इसमें व्हाइट है वो है कोइलोम, हाँ कोइलोम है, और उसके बाद है एक्टोडर्म यानी जो बाहर का लेयर है वो, ठीक है? और बाकी सब इसमें भी खाली ये जो इंटरनल पार्ट है उसके अलग नाम है, बाकी सब में सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है? यह है स्यूडो कोइलोमेट्स, फिर उसके बाद ये आता है एसियोमिलेट्स। अच्छा वो हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है ना एग्जाम के लिए, मैं घर के बाहर ही नहीं जाती हूँ। एसियोलोमेट्स, ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अपने फेस आँख है ना अपना आँख के जैसा है इसका, तो इसके नाम याद रखो आप एंडोडर्म एक्टोडर्म, जो बाहर है और जो बीच में है वो है मेसोडर्म, ये सेंटर में का है, उसके बाहर का लेयर जो है वो मेसोडर्म है और ये है एक्टोडर्म। ओके, अभी ये जो ओवरऑल है ना इन शॉर्ट आप लोगों को यहाँ पर इस चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है? नहीं मेरे हिसाब से है ना आप लोगों के लिए ये जो डायग्राम है ना ये इम्पोर्टेंट है हाइड्रा का, और ना मोस्टली ये मैंने देखा हुआ है एग्जाम में आता है, तो ये जो हाइड्रा का जो डायग्राम है ये आप लोग एक बार लर्न कर लीजिएगा, बराबर से निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो हाइड्रा क्या है, एक पेड़ के जैसा है उसका डायग्राम, एक पेड़ है, यहाँ पर उसकी ओवरी है, ये है टेस्ट, ये जो है ना जो नाम दिया हुआ जो ये बना ये आप लोग ध्यान से बराबर से एरो करके लिखना, और ये इसका माउथ है, ये है टेंटिकल्स, इसके भी बराबर से आप लोग देना, ये इसकी बॉडी, ये है उसका न्यू बर्ड, ठीक है? तो ये एग्जाम में आने के फुल चांस है आप लोग को, और नॉर्मली ये आता ही है। फिर ये उसके बाद है एनिमल्स इन स्नेरारिया फाइलम, तो ये है कोरल, इसका शेप देखो कैसे है, ब्रेन में जैसे गिचमिट गिचमिट रहता है ना वैसा है इसका शेप, और ये जो है ना सी एनिमोन, ये तो बहुत ही इजी है, ये तो तुम लोग के टी शर्ट के जैसा ही है ना?
डायग्राम इसका टी शर्ट के जैसा है, टेंटिकल्स, बस इतना ही लिखना है आप लोग को। निदारिया फलम, ओके। ये है लिवर फ्लॉक, इसका देखो शेप कैसा है, पत्ते के जैसा है। ये उसका माउथ, ये है जेनिटल अपर्चर, लीफ लाइक बॉडी, ओरल सकर, वेंट्रल सकर। फिर ये देखो है टेप वर्म। टेप वर्म क्यों नाम दिया इसका मालूम है आप लोग को? टेप वर्म क्यों नाम दिया इसका? ये टेप के जैसा है, पतला और लंबा, इसके लिए उसको टेप वर्म कहा है। और ये है प्लेनरिया, हाँ ये देखो, ये जो वर्म है ना, एनिमल इन फाइलम एस्केल मींस, ये आएगा आपको डायग्राम एग्जाम में। एक मेल है और एक फीमेल है, देखो ये है मेल और ये है फीमेल। उनका माउथ, उनका जेनिटल अपर्चर, ये है उसका माउथ, ये है होल, ये है टेल। और फीमेल का भी सेम है, ऊपर का माउथ, जेनिटल अपर्चर, ये सब सेम है, होल है, टेल है। बहुत इजी है ये डायग्राम आप लोगों को एग्जाम के लिए। हाँ बेटा, थोड़ा ना ये मेरा मोबाइल क्यों नहीं ब्लर हो रहा है, मेरे को बराबर से दिख नहीं रहा है आपके। जेनिटल एपर्चर ही तो है ना वो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ वर्म्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है ये, इसको फार्मर का फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी को होता है ना, वो मिट्टी को एकदम फ्लेक्सिबल बनाता है, जिसमें जो अनाज होता है ना, वो बहुत अच्छे से उपजाऊ जमीन बनाता है, ये अर्थवर्म। इसके लिए उसे कहते हैं फार्मर का फ्रेंड। अगर आपको सवाल आ गया ना एग्जाम में, अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं, तो आपको लिखने आना चाहिए। और ये जो है ना लीच, लीच तो बहुत ही सिंपल है, उसको माउथ है और एनस है, लेकिन बहुत ही डेंजर है ये लीच, क्योंकि ये जो लीच जो है ना, इसको है ना मेडिसिन के तौर पर, दवाई में, किसी बीमारी में ना इसका यूज करते हैं। यस, इसे मराठी में जड़ू कहते हैं। ये जिन लोगों को वो हाथी रोग होता है ना, वो पैर तो उन लोग का हाथी के जैसा हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उस बीमारी को, एलिफेंटासिस। मालूम है आप लोगों ने कभी देखा है किसी किसी इंसान के जो पैर होते हैं ना, वो ऐसे हाथी के जैसे बड़े बड़े हो गए रहते हैं। तो जहां तक मुझे पता है ना, उस डिजीज में ये जो लीच होता है ना, वो उनके पैरों में लगाए जाते हैं, और वो जो ब्लड होता है ना, इम्प्योर ब्लड, वो जो लीच होता है ना, उसका फेवरेट फूड होता है इंसान का ब्लड, तो वो पूरा ब्लड खींच लेता है। इम्प्योर ब्लड जो होता है ना, वो पूरा खींच लेता है। तो अगर इसका यूज आयुर्वेदा में कैसे करते हैं, उसके ऊपर अगर आपको पूछते हैं, तो इसका आप लोग ये जवाब लिख सकते हैं। और ये है नरेस, बहुत ही गंदा वाला एनिमल है, इसके जो बॉडी पार्ट्स है वो आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। ब्लड निकालते नहीं है बेटा, वो है ना ब्लड है ना, चूसते हैं, सक करते हैं। और इन लोग की स्पेशलिटी क्या है मालूम है क्या आपको? ये जो लीच है ना, उसकी स्पेशलिटी क्या है? अगर उसने वो अपने बॉडी में से खून चूसता है ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि वो खून चूस रहा है अपने बॉडी में से करके।
कहाँ पर वो अटका है, वो कहाँ से वो बॉडी सक कर रहे पता नहीं चलता हम लोगों को, ये उसकी खासियत है। वो जो जगह होती है ना अपनी, वो जगह वो पहले सुन कर देता है, फिर वो खून चूसता है अपना। ठीक है, तो ये जो है ना मेन मेन डायग्राम है ना, मैंने आप लोगों को शॉर्टली बता रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाए करके। और ये तो कॉकरोच तो आपको सबको पता ही है, हमारे घर पे तो रहता ही है हर हर किसी के। ठीक है, तो ये भी डायग्राम आ सकता है आप लोग को, इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। एक बार निकाल के देख लो, इसके जो पार्ट्स है उसको एक बार याद कर लो आप लोग। ओके, ये तो भाई ऑक्टोपस कितने अच्छे, उसको कितने सारे हाथ होते हैं, कितने हाथ होते हैं ऑक्टोपस को पता है आप लोगों को? बताओ, कम ऑन तेजस। हाँ मुझे बताओ ना ऑक्टोपस का। अच्छा, बहुत बोरिंग हो रहा है आप लोग को, टॉपिक बोरिंग है। ओके चलो फिर, ये एक एक बार आप लोग देख लो, ये जो नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, अभी मैं नहीं करती हूँ आपको ज्यादा बोर। फिर हम लोग चलते हैं अगली लेसन्स की ओर। ठीक है, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, एक ये है आप लोग को, मैं इम्पोर्टेंट क्या है मैं वो बता रही हूँ, आप लोग कर देना। ठीक है, अच्छा 13 होते हैं, ओके गुड। ये भी कर लेना आप लोग, फिर ये जो फ्रॉग है वो भी आएगा आप लोग को एग्जाम में, एक बार ये भी कर लेना आप लोग। फिर ये भी आ सकता है पिजन भी आप लोगों को, तो ये भी आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो अभी इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोग का रिवीजन करा दिया है, थोड़ा ही सही लेकिन आप लोग का रिवीजन तो हो गया एग्जाम के लिए। कल है आप लोग का एग्जाम? अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आपका हो गया है तो मैं नहीं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा है, वो मुझे भी बहुत पसंद है डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको चाहिए क्या उसमें का इम्पोर्टेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का? क्योंकि वो लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसमें से मैक्सिमम जो सवाल होंगे ना आप लोगों को, आपके खुद के ओपिनियंस उसमें पूछे जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में। आपको है इस बारे में आइडिया? डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों के ओपिनियंस पूछे जाएंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगर ऐसा है सिचुएशन तो आप क्या करोगे, तो आप लिख पाओगे ना जवाब उसके डिजास्टर मैनेजमेंट के, क्योंकि ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर तो मैं अभी अगले जो मेरे वीडियो में है अभी बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स देने वाली हूँ। ठीक है, तैयार है ना आप लोग? मैं सवाल पूछूंगी आप लोग को, आपको जवाब देने पड़ेंगे मुझे। हाँ, सोशल हेल्थ के ऊपर भी आप लोग को सवाल पूछेंगे, कॉमन सेंस जो है ना वो सब आएगा आपको डिजास्टर में पूछेंगे वो लोग। सिर्फ क्या है कि आप लोग को क्या सवाल पूछा है वो समझना जरूरी है, वरना सवाल एक और पूछ लिया होंगे ना और जवाब आप लोगों ने कुछ और ही लिख के आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी आ रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही क्वेश्चन पेपर लेके। ठीक है, और मैं आपको फटाफट क्वेश्चन पेपर बताती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ओके चलो फिर, आप लोगों के पेपर के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।